हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं इग्नू की तरफ से दिसंबर एग्जामिनेशन की टेंटेटिव डेटशीट रिलीज़ कर दी गई है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कब आपके लिए एग्जाम फॉर्म जारी किया जाएगा ताकि आप दिसंबर एग्जामिनेशन में अपीयर कर सकें। सो मेक श्योर आप वीडियो को कम्प्लीट ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिएगा। इग्नू से जुड़ी हुई सभी जानकारी आपको चैनल पर समय समय पर देखने को मिलती रहेगी। सो फ्रेंड्स, इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही इग्नू का एग्जामिनेशन फॉर्म पोर्टल है। इस तरह से पोर्टल से ही आप अपने एग्जाम फी सबमिट करते हैं। ये मैंने पोर्टल आपके लिए जून टर्म एंड एग्जामिनेशन का ओपन किया है जो फिलहाल क्लोज हो चुका है। जैसा कि दिसंबर एग्जामिनेशन की टेंटेटिव डेटशीट इग्नू की तरफ से टाइमली रिलीज कर दी गई है। हालांकि इस डेटशीट में अभी बहुत से चेंजेस होंगे, इसीलिए इसे टेंटेटिव डेटशीट बताया गया है। सो एग्जाम फॉर्म की बात करेंगे फ्रेंड्स, जैसा कि एग्जामिनेशन आपके 2 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, इग्नू की तरफ से आपको बताया गया है कि जो आपका पोर्टल है एग्जाम फॉर्म का, वो निर्धारित समय पर खोल दिया जाएगा। सो अगर इग्नू की ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इग्नू ने यहाँ पर आपको खुद मेंशन किया है जो टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म है फ्रेंड्स, वो दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए 30th of September तक फिल किया जाना जरूरी है। सो इग्नू की तरफ से फ्रेंड्स, आपका एग्जाम फॉर्म पोर्टल सितंबर मंथ में फर्स्ट वीक में ओपन कर दिया जाता है। सो अगर आप एग्जाम फॉर्म फिलअप करेंगे तभी आप अपने एग्जाम्स में टाइमली अपेयर कर सकते हैं। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जैसे ही एग्जाम फॉर्म पोर्टल ओपन होता है, 1-2 दिन का वेट कर आपको जरूर अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप कर देना चाहिए ताकि आपको डिजायर्ड एग्जामिनेशन सेंटर मिल सके। क्योंकि ऐसा होता है कि आपके एग्जाम सेंटर पर सीट फुल हो जाने के कारण आपको डिजायर्ड एग्जाम सेंटर नहीं मिलता। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी, जैसे कि आप जानते हैं जून टर्म एंड एग्जामिनेशन से इग्नू की तरफ से ABC ID बनाना जरूरी कर दिया गया है। आपको यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया था ABC ID फिल करने का। सो आने वाले समय में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए आप टाइमली अपनी ABC ID क्रिएट कर लीजिए। डिजी लॉकर पर अकाउंट बनाने के बाद आप अपनी ABC ID क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि आप आने वाले समय में जो डिग्रीज हैं वो पेपरलेस होने वाली है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये स्टेप लिया गया है जिसे इग्नू की तरफ से भी फॉलो किया गया है। जैसा कि इग्नू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सो आप किसी परेशानी को फेस ना करें, इसलिए आप टाइमली अपना एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में ID बना लीजिए। दैट इज ABC ID आपको बनाना है जो आप डिजी लॉकर से बना सकते हैं। डिजी लॉकर से आप किस तरह से ABC ID बना सकते हैं उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है तो इस वीडियो में सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। उसके बाद इजीली आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सो जैसे ही एग्जाम फॉर्म रिलीज किया जाएगा, हम आपको वीडियो के जरिए जरूर नोटिफाई करेंगे। आप चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें। फ्रेंड्स, इग्नू में एग्जामिनेशन में अपीयर करने से पहले आपको अपने असाइनमेंट्स भी बनाने होते हैं और सबमिट करने होते हैं। सो इग्नू में आपको दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए कौन से वैलिड असाइनमेंट बनाने हैं उसकी जानकारी की वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। आप ये वीडियो देख सकते हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और अगर आपको किसी प्रकार से असाइनमेंट्स के आंसर ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपको आंसर चाहिए रेफर करने के लिए, तो आप हेल्प ले सकते हैं gulibaba.com से। मेन्यू बार में आपको इग्नू सॉल्व असाइनमेंट का ऑप्शन नजर आएगा, तो आप डायरेक्टली यहां से अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हैं। टाइप सॉफ्ट कॉपी, हैंड रिटन, स्कैन सॉफ्ट हार्ड कॉपी। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी है दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए कब तक आपका एग्जाम फॉर्म ओपन किया जा सकता है, साथ ही साथ आपको ABC ID बनाना जरूरी है, आप किस तरह से ABC ID बना सकते हैं, और असाइनमेंट सबमिशन भी एक मैंडेटरी प्रोसेस है। सो आप असाइनमेंट्स भी जरूर बना लीजिएगा। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। स्टे ट्यून्ड द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।